दो अहम फैसले ऐसी अज कैबिनेट दे विच लए है। अहम फैसले होर भी हुए है, बाकी फैसले जिहड़े है वह विधानसभा के सैशन भी जाणगे। जिन्हां दी विधानसभा के सैशन च जाण दी लोड़ नहीं है वह मैं थोड़ी ते पंजाब के लोगों की जानकारी वास्ते दस रहा कि दो बड़ियां राहतां जिन्हां दी बड़ी लोड़ है वह असीं पंजाब के लोगों नूं देण जा रहे हैं। वो शहरी जिहड़े लोग रह रहे हैं उहदे जो कोई कलोनी वसदी है या कोई जमीन अक्वायर होंदी है तो उस तो बाद एक ट्रेंड ही बन गया है कि हर जिमीदार फिर कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट चो जो रेट है वो आम तौर पर इनहांसमेंट मिल जाती, तो जो इनहांसमेंट मिलती है तो वो पंजाब सरकार का जो रेट है वह 15% ब्याज का है, वो ब्याज लेंदी है पंजाब सरकार, जिहड़ा कि अल्टीमेटली कंज्यूमर से पैंदा जिन्होंने उत्थे प्लाट खरीदे होंगे। लो ये 40,000 फैमिलीज अफेक्टेड है पंजाब दे विच। अज पंजाब सरकार ने कैबिनेट दे विच वो 15% घटा के 7.5% कर दिता है। 40,000 फैमिलीज़ नूं 7.5% की जिहड़ी राहत है वह अज असीं देण जा रहे। इस तो अगे एक बहुत वड्डी खुशखबरी पंजाब दे लोकां नूं देण जा रहे जिहदे नाल हर वर्ग के हर बंदे नूं फायदा होना है। पेट्रोल दे रेट ते डीजल दे रेट जदों दी बीजेपी सरकार आई है बहुत बड़े मार्जन के नाल बढ़े। असल बीजेपी की चोणां दे विच सरकार ही पेट्रोल के रेटों लेके आई थी कि जी देखो इन्ना रेट हो गया मनमोहन सिंह की सरकार, लेकिन पिछले 18 महीनों में जिहड़े पेट्रोल के रेट है वह डीजल का रेट 61 रुपये तो 98.5 रुपये हो गया है पिछले सिर्फ 18 महीनों के। सो इस तरीके दे नाल पंजाब और देश दे लोकां दी लुट कीती गई है जिहड़ी पहला कदे नहीं सी। 70 सालां च 60 रुपए पर रेट आया ते 7 सालां दे विच चल के 95 रुपए पर चले गया, 104 रुपए तक चले गया। कोई कंट्रोल नहीं रहा बीजेपी सरकार दा, इन्हां ने पूरे देश दे लोकां नूं बुरी तरह लुटिया। हुण रेट पहला 30 रुपए बढ़ा दे ते हुण उन्होंने 5 रुपये या 10 रुपये घट करके वाहवा खट्टण दी यतन कर रहे। मैं तुहानूं इह वी दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा रेट घटाया गया है वह एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उहदे विच 42% शेयर स्टेटां दा हुंदा है, वह जिहड़ा पैसा है उहदे चों 42% शेयर पंजाब सरकार नूं भी आना हुंदा है, ते जद वह घटदा है तां साडा भी 42% घट जांदा है। इह रेट साडे सिर ते घटाए गए हैं, लेकिन पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवादी हाँ, पंजाब सरकार ने अज वड्डा फैसला लेके पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जिहड़ा कि पिछले 70 सालों के कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होए या कदे इन्ना रेट वधिया हो। मैं 1900 नवंबर 1986 मैनू पेट्रोल पंप कनौली विखे अलॉट होया सी, नाम सीगा जिमीदारा फिलिंग स्टेशन, मैं उहदा रखिया सी ते मैं उत्थे काफ़ी देर काम किया। अज तक कदे इन्ना नहीं रेट घटिया कि लगातार 10 कट्ठा ही 10 रुपये रेट घट गया हो। तो मैं पंजाब के लोगों को मुबारकबाद दिना, 10 रुपये पेट्रोल 5 रुपये डीजल अज रात तो पंजाब दे विच होर घट जाएगा, ते नाल मैं मुबारकबाद दिना पंजाब के लोगों को, ये भी एक दिवाली का तोहफा समझण, इस तरह के तोहफे होर भी आएंगे, लेकिन ऐसी पंजाब दे विच लोकां नूं उन्हां दी वित्त दे अनुसार खर्चा ते लोड़ पाना चाहते हैं। साढ़े टैक्स साढ़े सरकारी बोझ लोगों के उत्ते इन्ना पिछले सालों के पाया गया जिहड़ा कि आम लोगों तो मिडल क्लास फैमलियां तो गरीब लोगों तो चक्कर इत्थे तक कि अमीर लोगों तो भी चुकया नहीं जा रहा, उस नूं असीं हर खेत्र दे विच घटा रहे, चाहे वह बिजली का है 3 रुपये बिजली सस्ती कर दी गई है, चाहे वह बिजली के बकाए जिहड़े गरीब लोग या मिडल क्लास फैमलियां दे नहीं पा रही सी वह माफ कर दिए गए, पानी का लोड़ है पानी सस्ता कर दिता गया है बिजली सस्ती कर दी गई है, तो अज असी पेट्रोल ते डीजल सस्ता कर रहे हैं। तो मेरे कल वीर आए सी मेरे घर से धरना देने अकाली दल वाले, उन्होंने पता लग गया भी कल कैबिनेट उड़ी है, यह होंगे मैं भी कैबिनेट ओपोजिशन लीडर रहा, सानू भी खबर आ जाती कल आ होना, फिर असं एक स्टेटमेंट दे देंगे कट किया जाए
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ